तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया राजमा बनकर के तैयार हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि सभी को पसंद आती है। तो इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो राजमा को हमने ओवरनाइट फुलाया है, ये आप देख सकते हैं फूल करके बढ़िया बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो यही वाला राजमा लीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके बाद हमने इसे दो पानी से धो लिया है और अब चलिए हम इसे उबालने के लिए रख देते हैं। तो हम इसे कुकर में उबालेंगे, तो कुकर में डाल देना है इस तरीके से। और अब इसमें हमें पानी डाल देना है। तो ये हमने पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें डाल देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा राजमा फीका फीका ना लगे। इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा करके और इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो इसे हम 3 सीटी दिलाएंगे। तो राजमा को हमने उबलने के लिए रख दिया है, उसे 3 सीटी दिलाएंगे। इसके बाद गैस को हमें बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, राजमा हमारा पक चुका है, यानी कि 3 सीटी आ गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है, इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो जब तक कुकर हमारा ठंडा होगा, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल में हीट आने लग जाएगी, तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तो हमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा को थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे। इसके बाद हमें डाल देना है थोड़ी सी अदरक और लहसुन। तो 5-6 कली हमने लहसुन ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च और 2 प्याज। तो जब आपकी प्याज इस तरीके से हो जाएगी, तब इसमें हमें डाल देना है टमाटर। टमाटर के डालते ही आपको नमक डाल देना है टमाटर में इस तरीके से। इसके बाद इसे हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ढक्कन से इसे इस तरीके से कवर कर देंगे, गैस को थोड़ा सा धीरे कर देंगे। और टमाटर डालते ही आपको नमक इसलिए डालना है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इससे पहले हमने बस एक बार ही इसे चलाया था, बस इससे ज़्यादा नहीं चलाया था, तो गैस हमने बंद कर दिया। इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें हमें इस मसाले को पीस लेना है। मसाला पीस करके तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो उसमें हमें डाल देना है 3 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये तेज़पत्ता। इन सबको डालने के बाद एक बार हमें इसे इस तरीके से चला लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। आप इस तरीके से प्याज डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। ये प्याज जब मुँह में आती है क्रंची क्रंची की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्याज हमारी इस तरीके से भुन गई है, हमें इसको इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हमें डाल देना है ये पिसा हुआ मसाला। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे राजमा मसाला, मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए मसाला सारा हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं तेल छोड़ने लग गया है और मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। और अब हम कुकर को खोल लेते हैं, इसे एक बार चला लेते हैं इस तरीके से, देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा राजमा पक चुका है। तो इस सारे मसाले को हमें इसी में डाल देना है कुकर में ही, क्योंकि हम कुकर में ही राजमा बनाएंगे। थोड़ा सा हमारा राजमा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। इसे इस तरीके से चला लें एक बार। और अभी हमें इन मसालों को नहीं निकालना है, खड़े मसालों को, क्योंकि अभी हमें 1 सीटी इसमें और दिलवाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसमें घी या बटर आप डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें बटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी,
तो इससे पहले हमने दो बार नमक डाला है, तो इसने नमक अभी आपको ध्यान से डालना है। कुकर बंद करेंगे और इसे एक सीटी और दिलवाएंगे। तो हमें इसे एक सीटी ही दिलवाना है, इससे ज़्यादा नहीं दिलवाना है। एक सीटी आ गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। कुकर को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा राजमा अच्छे से पका है कि नहीं। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, ये देख लीजिए राजमा भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक कर के तैयार हो गया है। तो हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है। इसे थोड़ी सी डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो हम इसे चावल के साथ खाने वाले हैं, क्योंकि राजमा चावल ही अच्छा लगता है, इसके साथ रोटी नहीं अच्छी लगती है। तो अभी हमने चावल नहीं बनाया है, इसलिए हमने आपको चावल के साथ सर्व करके इसे नहीं दिखाया है। अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया राजमा बन करके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।